ने आपके सामने सबसे पहले पवन सिंह की शादी का खुलासा किया, जो बात सच निकली। अब हम एक और सबसे बड़ा खुलासा करने जा रहे हैं, जिसे सुनकर आप तो क्या भोजपुरी जगत तक चौंक जाएगा। तो चलिए बताते हैं क्या है वो खबर। स्टार से सुपरस्टार बनने जा रहे प्रदीप पांडे चिंटू जल्द ही शादी करने जा रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें कौन सा बहुत बड़ा खुलासा है। अब वो जिससे शादी करने जा रहे हैं वो और उसका नाम आप सुनकर चौंक जाएंगे। वो रानी चटर्जी यानी कि भोजपुरी की रानी रानी चटर्जी से शादी करने जा रहे हैं। जी हाँ, अगर आपको अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा है तो फिर से हमारी खबर सुन लीजिए। जल्द ही ये दोनों शादी करने की सोच रहे हैं और हो सकता है कि वो अगले महीने में शादी तक कर ले। भले ही प्रदीप पांडे चिंटू का परिवार यानी कि उनके पिता राजकुमार पांडे और उनका पूरा परिवार इस शादी के खिलाफ बताया जा रहा है, लेकिन इससे प्रदीप पांडे चिंटू को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। प्रदीप पांडे चिंटू का परिवार रानी और प्रदीप के शादी के खिलाफ इसलिए है, इसकी बड़ी वजह प्रदीप पांडे चिंटू का करियर बताया जा रहा है, जो इस वक्त बहुत अच्छा चल रहा है। उनके परिवार का मानना है कि अगर इस वक्त प्रदीप शादी जैसा डिसीजन लेते हैं तो वो उनके करियर के लिए बहुत बुरा साबित होगा। वहीं इसकी दूसरी वजह बताई जा रही है कि प्रदीप पांडे चिंटू ब्राह्मण हिंदू परिवार से बिलोंग करते हैं, तो दूसरी तरफ रानी मुस्लिम परिवार से बिलोंग करती हैं। और तीसरी बड़ी वजह बताया जा रहा है रानी और प्रदीप पांडे के उम्र में पूरे 7 साल का गैप। रानी प्रदीप पांडे चिंटू से 7 साल बड़ी हैं। भले ही ये तीन बड़ी वजह प्रदीप पांडे चिंटू और रानी की शादी में रोड़ा बन सकती है, लेकिन जहाँ तक अगर हमारे सूत्रों की माने तो दोनों ने एक दूसरे के प्यार की कस्में खा रखी है और ऐसे में इन्हें जुदा करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। इस न्यूज से रिलेटेड हर जानकारी हम आपको पल पल देते रहेंगे। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलिए।